اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. इस दर्स में हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के खुतबात को जमा किया. अब कुछ और जो तफसीरात आती हैं उनको आज जमा करने की हम कोशिश करेंगे. तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यौम नहर के दिन यानी कि कुर्बानी के दिन जानवर ज़िबा फरमाए. उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस जानवर की खाल को यानी कि चमड़े को उसके गोश्त को तकसीम करने का हुक्म दिया और साथ ये भी कहा कि इन तमाम जानवरों के गोश्त में से थोड़ा थोड़ा लेकर हांडी में डाला जाए और पकाया जाए. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से थोड़ा सा गोश्त खाया और आपने थोड़ा सा शोरबा भी नोश फरमाया. और एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि हमारे लिए हर ऊँट के गोश्त में से एक एक बोटी लेकर एक हांडी में पकाओ ताकि हम भी खाएं और इसका शोरबा भी पी लें. हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने इस हुक्म की तामील फरमाई. फिर रसूल अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि मिना का तमाम मैदान मुनहर है यानी यहाँ पर तमाम मिना में ज़िबह करने की इजाज़त है. मुराद ये है कि पूरे मिना में तुम कहीं भी जानवर ज़िबा करो किया जा सकता है. और साथ ही ये भी फरमाया कि मक्के की सब घाटियाँ भी मुनहर हैं. इसके बाद हुजूर ने अपना सर मुंडाया और उसकी तफसील जो है मैं आपसे चंद रोज पहले जिक्र कर चुका हूँ. इसके बाद हुजूर ने खुशबू लगाई. खुशबू आपके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लगाई जिसमें मुश्क था. ये खुशबू आपने तवाफ़ इफादा से पहले लगाई और इसको तवाफ़ रुकन भी कहा जाता है और तवाफ़ सदर भी. मशहूर कौल ये है कि तवाफ़ सदर ही तवाफ़ विदा होता है. बहरहाल तवाफ़ इफादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया. तो तवाफ़ इफादा वही होता है कि जब आप 10 तारीख को अपना जानवर ज़िबह करने के बाद सर मुंडाने के बाद और सर मुंडाने से कबल जानवर ज़िबा कब करने से कबल पहले तो आप रमी करते हैं जमरात की. उसके बाद एक शैतान को कंकर मारनी होते हैं 10 तारीख को. उसके बाद आप अपना जानवर ज़िबा करते हैं सर मुंडाते हैं फिर काबतुल्लाह जाकर तवाफ़ करते हैं. ये तवाफ़ इफ़ादा होता है. उसके बाद वापस मिना आ जाते हैं फिर 11-12 इस तरह आप यहाँ पर ठहरते हैं और उसके बाद 13 तक भी कुछ लोग ठहरते हैं. तो 11-12 तक तो ठहरा ही जाता है. हज़रत के सहाबा में से बाज ने अपने सर मुंडवाए और बाज ने तरशवाए यानी मुंडाए नहीं बल्कि कम करा दिए. उसी वक्त हुजूर ने दुआ फरमाई कि अल्लाह सर मुंडाने वालों की मगफ़रत फरमा. इस पर सहाबा ने अर्ज़ किया और तरशवाने वालों की. मगर हुजूर ने सिर्फ इतने ही अल्फाज 3 मरतबा फरमाए कि अल्लाह सर मुंडाने वालों की मगफ़रत फरमा. सहाबा भी हर मरतबा ये इजाफा बतलाते रहे. आखिर चौथी मरतबा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकस्सरीन यानी कि बाल कम करवाने वालों के लिए भी मगफ़रत की दुआ मांगी. यानी कम कराने से मुराद ये नहीं होता कि इधर से उधर से चंद बाल कटवा लिए. मुराद ये होती है कि सारे सर से कम 1/4 1/4 बाल काटे जाए लेकिन सर मुंडवाने की फजीलत ज़्यादा है. इमाम नवावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये बात बईद क़यास नहीं कि ये बात हज्जतुल विदा के मौके पर भी पेश आई हो और इससे पहले भी पेश आई हो. तो बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ इससे कबल भी फरमाई थी. इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर मक्के जाने के लिए सवारी पर बैठे. मक्के आकर आपने इसी दिन जोहर से पहले तवाफ़ किया. यही तवाफ़ इफ़ादा था. फिर आपने एक सबील में की नबीज़ नोश फरमाई. अब नबीज़ के बारे में मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नबीज़ जो है वो होता क्या है कि आप खजूर को पानी में डिप करके रखते हैं और या तो ओवरनाइट रख लें या दिन में रख लें. इससे ज़्यादा ना रखें. इससे ज़्यादा रखने की सूरत में उसमें नशा पैदा हो जाता है.
तो अरब जो है पुराने जमाने में खजूरों को पानी में तीन तीन दिन तक डुबा के रखते थे, और फिर उन्होंने ऐसे बर्तन भी बनाए थे जिससे शराब बनाई जाए और आसानी से और ज्यादा अच्छी शराब बने। तो वो नबीज है जिसकी मुमानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। लेकिन जिस नबीज का जिक्र यहां हो रहा है, ये वो नबीज है जो जिसका पीने की इजाजत है कि खजूर को पानी में एक थोड़े से वक्त के लिए डिप किया जाता है और उसके बाद वो पानी पी लिया जाता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबीज नोश फरमाई। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर गुजर रहे थे, आपके पीछे हजरत उसामा बिन जैद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी तो हम आपके लिए एक बर्तन में नबीज लाए जो हजरत अब्बास की सबील में की थी, क्योंकि वो अपनी सबील में खजूर और अंगूर डाले रखते थे। आपने इसे पिया और बाकी जो बची वो हजरत उसामा को पिला दी। फिर आपने फरमाया, तुमने खूब किया और उम्दा तरीके से किया, ऐसा ही बनाना चाहिए। फिर आ हजरत ने डोल में से जमजम का पानी पिया। एक कौल है कि आपने खड़े होकर पिया और एक कौल के मुताबिक आप उस वक्त ऊंट पर बैठे हुए थे। आपके लिए जमजम के कुएं से डोल खींचने वाले आपके चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। ऐसा ही उन्होंने फतेह मक्का के वक्त भी किया था, जैसा कि मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ। एक कौल है कि जमजम नोश फरमाने के बाद आपने इसमें का कुछ पानी अपने सर मुबारक पर छिड़का। हजरत इब्न जुरैज से ये रिवायत है कि जमजम का ये डोल आपने लिए आपने खुद खींचा था, मगर ये कौल जो है वो इतना कवी नहीं है और उन तमाम अकवाल के खिलाफ जाता है जो पहले आपने कही थी कि फिर मुझे ये खदशा होगा कि मेरी उम्मत ये डोल पर लड़ने ना लगे कि ये हमारे नबी की सुन्नत है। तो हुजूर ने कहा, चाहता तो हूँ मैं कि इसको खींचूं, पर अपनी उम्मत के ख्याल से मैं खींचता नहीं। बहरहाल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना वापस तशरीफ़ ले गए और वहीं जोहर की नमाज पढ़ी, जैसा कि शेखैन की रिवायत है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। मगर एक कौल है कि जोहर की नमाज आपने मक्के ही में पढ़ी। ये तरह इमाम मुस्लिम की राय है जिसे वो मुख्तलिफ वजूह से तरजीह देते हैं। इन दोनों रिवायतों के दरमियान इस तरह जमा और मुआफ़क़त पैदा की गई है कि मुमकिन है आपने जोहर की ये नमाज अव्वल वक्त मक्के में पढ़ी हो, फिर आप मीना लौट कर गए तो वहाँ आपने यही नमाज इन सहाबा को पढ़ाते हुए दोबारा पढ़ी जो आपके पीछे मीना में रह गए थे, क्योंकि आपने इनको अपना मुंतजर पाया था कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि आप वापस आएंगे और उन्हें जोहर में पढ़ाएंगे। तो लिहाजा ये मीना में पढ़ी जाने वाली जोहर आपकी दूसरी नमाज थी। बाज़ फुक़हा ने कहा है कि इन लोगों के लिए ये मुआफ़क़त कबूल करनी मुश्किल है जो दोबारा नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। ये फुक़हा इस पर इश्काल करते हैं कि इसी दिन हुजूर ने जमरा उकबा की रमी की, फिर अब 63 ऊँट जो है जानवर ज़बह किए। इसके बाद जो 100 की गिनती थी वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहु ने पूरी की, और उसके बाद वो तमाम तफसीलात आती हैं जो मैंने आपसे ज़िक्र की। इतने कामों के होते हुए वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि आप जानवर भी ज़बह करें और उसके बाद आपके लिए हर जानवर में से बोटी निकाल कर शोरबा भी तैयार किया जाए और फिर आप खुशबू लगाएं और फिर खुतबा भी दें। इतने कामों के होते हुए ये कैसे मुमकिन है कि आपने मक्के में अव्वल वक्त में जोहर की नमाज़ पढ़ ली हो और जोहर के वक्त के अंदर अंदर मीना में वापस भी आ गए हों? क्योंकि हज़रत आयशा फरमाती हैं, इसी दिन के आखिरी हिस्से में रसूल अल्लाह जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मीना से रवाना हुए और फिर मीना वापस लौट आए। इस रिवायत को अबू दाऊद ने नकल किया है। इस इश्काल का जवाब ये दिया जाता है कि मौसम के लिहाज से इस दौरान लंबे दिन हो रहे थे, लिहाजा इसमें कोई इश्काल नहीं होना चाहिए कि दिन के इब्तदाई हिस्से में ही हाँ हजरत ने इतने बहुत से काम अंजाम दे लिए हों। इधर इन कामों में जहाँ तक इस दिन के खुतबा देने का सवाल है, इसके बारे में अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि आया इस दिन ये खुतबा रसूलुल्लाह ने अपने तशरीफ़ ले जाने से पहले दिया या मीना में वापस आने के बाद। जहाँ तक हजरत आयशा की रिवायत का ताल्लुक है, जिससे मालूम होता है कि आपने जोहर की नमाज बैतुल्ला यानी मक्के आने से पहले मीना ही में पढ़ी थी, तो इसका जवाब बाज़ उलमा ने यह दिया है कि यह हदीस इस बारे में कोई नस और आखिरी दलील नहीं है, बल्कि इसमें भी एहतमाल है।
अब अगर इस सिलसिले में यूं कहा जाए कि इमाम बुखारी ने भी रिवायत बयान की है और बाकी चारों सुनन में भी यही रिवायत मौजूद है, रसूल अल्लाह ने बैतुल्लाह की जियारत को रात तक मुअख्खर फरमा दिया और एक रिवायत के अल्फाज यूं हैं कि जियारत आपने रात को की थी, तो इसके जवाब में यूं कहा जाएगा कि मक्के की जियारत के लिए तो आप रात में तशरीफ ले गए थे, लेकिन तवाफ़ इफादा जो है वो आपने दिन में किया था। तो चुनाचे अल्लामा बेहकी की जो रिवायत है कि मीना में क़याम की रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हर रात बैतुल्लाह की जियारत के लिए मक्का तशरीफ़ ले जाया करते थे, तो बाज़ उलमा ने वो रिवायत बयान की है और लोगों को ये इश्काल हुआ कि आपने रात में तवाफ़ इफादा किया, बल्कि आप तो मक्के की जियारत के लिए हर रात तशरीफ़ ले जाया करते थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस दिन अपने ऊँट पर लोगों के दायरे के पीछे रहकर तवाफ़ किया। अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल से शिकायत की कि मेरी तबीयत ख़राब है। आपने फरमाया, तुम सवारी पर सवार होकर लोगों के दायरे के पीछे रहते हुए तवाफ़ कर लो। चुनाचे उम्मे सलमा तवाफ़ करती हुई गुजरी, जबकि इस वक्त आ हज़रत बैतुल्लाह के पहलू में नमाज पढ़ रहे थे। उम्मे सलमा से रिवायत है कि आ हज़रत ने इनको हुक्म दिया था कि यौम नहर में वो मक्के में सुबह के वक्त आपके साथ आ मिले। बाज़ उलमा कहते हैं कि यहाँ यौम नहर का लफ्ज़ जो है वो रावी की गलती है, क्योंकि यौम नहर में सुबह कैसे मिल सकती हैं, दरअसल ये यौम नहर नहीं मिल सकता बल्कि ये तवाफ़े विदा की बात है, क्योंकि तवाफ़े विदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अला सुबह यानी कि सहरी के वक्त किया था। इसी तरह यौम नहर में हज़रत आयशा ने भी तवाफ़ किया जबकि वो हैज से फारिग हो चुकी थीं। इससे पहले यौम अरफा में वो हैज से थीं, जैसा कि हमने आपसे पहले भी दर्स में बयान किया है, और इस तरह हज़रत सफ़िया ने भी इसी दिन तवाफ़ किया। इस दिन हज़रत से इन मुख्तलिफ मनासिक और अरकान के बारे में सवाल किया गया जो एक के बाद एक मुसलसल किए गए, यानी कि रमी करना, सर मुंडाना, जानवरों का ज़िबा करना, तवाफ़ करना। अच्छा, कुछ लोगों को तालीम न होने की वजह से उन्होंने बाज़ चीज़ें आगे पीछे कर दी। तो चुनाचे मुस्लिम शरीफ में हज़रत अमर इब्न आस से रिवायत है कि हज्जतुल विदा में रसूल अल्लाह ने मीना में लोगों के सामने अपनी सवारी ठहरा रखी थी और सहाबा आपसे सवालात कर रहे थे। इसी वक्त एक शख्स ने आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने इसका ख्याल नहीं किया कि कुर्बानी से पहले हलाल हो सकता हूँ, लिहाजा मैंने कुर्बानी करने से पहले सर मुंडा लिया। आपने फरमाया कि अब ज़बीहा कर लो तो कोई हर्ज नहीं। फिर आपके पास एक और शख्स आया और अर्ज किया कि मैं नहीं जानता था कि रमी कुर्बानी से पहले होती है, लिहाजा मैंने रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया अब रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं। फिर एक और शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं रमी करने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ इफादा कराया। आपने फरमाया कोई हर्ज नहीं, अब रमी कर लो। हज़रत अमर इब्न आस कहते हैं कि हज़रत से जिस चीज़ के बारे में भी सवाल किया गया, जिसको सवाल करने वाले ने पहले या बाद में कर लिया था, आपने जवाब में यही फरमाया अब कर लो, कोई हर्ज नहीं। चुनाचे आपने यही बात बैतुल्लाह का तवाफ़ करने से पहले सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करने के मुतालिक भी फरमाई कि जो चाहे वो सही को तवाफ़ कुदूम से पहले कर ले और चाहे तवाफ़ इफादत के बाद करे। हज़रत ने सही तवाफ़ कुदूम के बाद की थी, तो सुन्नत का तरीक़ा यही है। रसूल अल्लाह मीना में 3 दिन ठहरे, जिसमें आपने जमरात की हमी की और इसमें जाने और आने में आप पैदल चले, यानी कि जमरात तक आप पैदल गए, वहाँ आपने शैतान को कंकरियाँ भी पैदल ही मारी। अच्छा, वहाँ पर ये बात हो का ख्याल रखना चाहिए कि 10 के बाद जितने भी दिन आप वहाँ ठहरते हैं, वहाँ पे फिर हर रोज़ आप 3ों को कंकरियाँ मारते हैं, हर एक को 7 मारते हैं, तो कुल ये 21 हो गई। और 7 एक साथ नहीं मारनी, वो एक एक करके मारनी है, और बड़े बड़े पत्थर नहीं मारने, छोटी छोटी कंकरियाँ मारनी हैं। जो सही तरीक़ा है उसी को अपनाना चाहिए, जज्बात में आकर गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आपने हर जमरे पर 7 कंकरियाँ मारी और इससे शुरू फरमाई जो मस्जिद मीना यानी मस्जिद खैफ के करीब है। इसकी रमी के बाद आप वहाँ दुआ के लिए ठहरे, फिर इस जमरे पर रमी फरमाई जो इसके करीब है और जमराए वस्ता है, फिर वहाँ भी दुआ के लिए ठहरे, फिर जमराए उकबा की रमी की, लेकिन इसके पास दुआ के लिए नहीं ठहरे।
हज़रत की अजवाज मुतहरात इन तीनों दिनों में रात के वक्त ही रमी करती रहीं। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मीना के इन तीन दिनों में से पहले दिन रसूल अल्लाह ने लोगों के सामने खुतबा दिया, इसी दिन को यौम कर कहा जाता है, क्योंकि मीना में इस दिन जो कि यौम रूस यानी जानवरों की सिरी के खाने का दिन है, लोग इस बात का इकरार करते हैं कि इस दिन कुर्बानी का गोश्त खाएंगे। और अय्याम मीना के दूसरे दिन भी आपने खुतबा किया, यौम नफर अव्वल होता है जिसको यौम इकारा कहते हैं। इकारा बेसिकली कहा जाता है कि गाय या बकरी के पाए को जो पकाए जाते हैं, तो इसे यौम इकारा इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन हज्जाज इकारा खाते हैं। इस खुतबे में आपने रिश्तेदारों के हुकूक और इनकी खबरगिरी करने का हुक्म दिया। इस हज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 5 खुतबात दिए। पहला खुतबा ज़िलहज्जा की 7 तारीख को आपने मक्के में दिया, दूसरा खुतबा यौम अरफा में, तीसरा खुतबा मीना में यौम नहर वाले दिन यानी 10 ज़िलहज्जा को, चौथा खुतबा मीना में यौम कर में, और 5वां खुतबा भी मीना में यौम नफर अव्वल में ही दिया गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दिन मीना से रुखसत हुए। ये दिन यौम नफर आखिर कहलाता है। ये रवानगी जवाल के और रमी के करने के बाद हुई। आपके साथ बाकी मुसलमान भी रवाना हुए। आपके चचा हजरत अब्बास ने आपसे इजाज़त मांगी कि मीना की 3 रातों में वो अपनी सबील और इसके इंतजामात करने की वजह से मीना में ये रातें नहीं गुजार सकते, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनको रियायत दी, तो इसीलिए वो रातों को मीना में नहीं ठहरे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वादी महसब यानी अब्ताह में कुब्बा खड़ा किया गया। ये कुब्बा हजरत अबू राफे ने नस्ब किया था, जो रसूल अल्लाह के सामान के निगरान थे। हुजूर ने इनको इसका हुक्म नहीं दिया था, चुनाचे हजरत अबू राफे से रिवायत है, रसूल अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया था कि मैं वादी अब्ताह में ठहरूं, बल्कि मैं खुद ही इस वादी में आकर उतरा और यहाँ हुजूर के लिए कुब्बा नस्ब किया। फिर हुजूर तशरीफ लाए तो आप यहाँ उतरे और क़याम फरमाया। इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा इब्ने ज़ैद से फरमाया था कि क्या हम वादी महसब में ठहरें? ये वही वादी है जिसमें कुरैश और बनी किनाना ने आपस में बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब के मुकातिया यानी बायकॉट करने का माहिदा और हल्फ किया था कि ये मुकातिया उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बनू हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब हुजूर का साथ न छोड़ दें और ये आपको हमारे हवाले न कर दें ताकि हम आपको कत्ल कर दें। यही हल्फ था जिसकी वजह से वो माहिदा लिखा गया था। गर्ज वादी महसब में पड़ाव डालने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर जोहर असर मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ी और इसके बाद कुछ देर आराम फरमाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं ऐसा हज करके वापस जा रही हूँ जिसके साथ मैंने उमरा ही नहीं किया, क्योंकि वह अय्याम हैज में थी उन दिनों में जब बाकी अजवाज मुतहररात ने उमरा किया था। तो इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर को बुलाया और बुलाकर फरमाया कि अपनी बहन को साथ लेकर हरम से रवाना हो और फिर दोनों तवाफ से फरागत के बाद इसी वादी महसब में मुझसे आके मिलो। तो यही जो है वो मुकाम है मस्जिद आयशा वाला, जहाँ से इजाज़त है आपको कि अगर आप हुदूद हरम के अंदर हैं तो आप वहाँ पर जाकर तवाफ की उम्रे की नीयत से एहराम बांध कर आ सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए मस्जिद आयशा जो है वो मीकात नहीं है। वो जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनके लिए ये एक मीकात है। तो बहरहाल हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस तरह अल्लाह ने उम्रे को पूरा कर दिया। तो एक रिवायत में अल्फाज हैं कि फिर हमने तनईम के मुकाम से उम्रे का अहराम बांधा, जो मेरे इसी उम्रे की जगह थी जो मुझसे फौत हो गया था। फिर हम आधी रात तक उम्रा के तवाफ से फारिग हुए और इसके बाद वादी महसब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से आ मिले। आपने पूछा कि तुम दोनों अपना तवाफ कर आए? हमने अर्ज किया हाँ, तब आपने कूच का ऐलान फरमाया। एक रिवायत में हजरत आयशा के अल्फाज यूं हैं कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस सूरत में मिले कि आप मक्के से फराज की सिमत जा रहे थे और मैं नशीब में जा रही थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि अपने वतन को लौटने से पहले इनका आखिरी काम ये होना चाहिए कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, यानी तवाफ़ विदा करके लौटें, जिसके मानी रुखसती या अलविदाई तवाफ़ है। साथ ही आपने मुसलमानों को ये रियायत भी दी कि वो हैज़ वाली ऐसी औरतें जो तवाफ़ इफादा कर चुकी हों
और अब वो हैज की हालत में हों, उन पर ये पाबंदी नहीं है कि वो तवाफुल विदा भी करें। तो हैज वाली ऐसी औरतों को इस हुक्म का पाबंद ना बनाएं जो अपने हैज से पहले तवाफ इफादा कर चुकी हों। तो इसी तरह हजरत सफिया उम्मुल मोमिनीन, हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उन खवातीन में थी। उन्होंने तवाफ इफादा तो किया था, उसके बाद जब वो मीना आईं तो यौम नफर की रात में उनको हैज शुरू हो गए। उस वक्त उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अपने तोहर यानी पाकी और तवाफ विदा का इंतजार करने का पाबंद कर दिया है। आपने फरमाया, क्या तुमने यौम नहर में तवाफ किया था? एक रिवायत के अल्फाज यूं हैं कि तुमने यौम नहर में तवाफ इफादा नहीं कर लिया था। उन्होंने अर्ज किया, बेशक किया था। आपने फरमाया, फिर कोई हर्ज नहीं, तुम हमारे साथ चल सकती हो तो वो तुम्हारे लिए काफी है। यानी उधर इफादा तो कर लिया ना तुमने, तवाफ विदा की तुम पाबंद नहीं हो क्योंकि तुम हैज से हो। तो देखे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो उम्रे से रह गई थी, तो उनकी वजह से एक कितनी बड़ी उम्मत की बेटियों, माओ, बहनों के लिए एक मसला हल हो गया कि अगर हैज के दिन हो तो फिर क्या करेंगी। तो तमाम मनासिक हज अदा करेंगी, सिर्फ तवाफ नहीं करेंगी, ठीक है, उसको आप मौखर कर देंगी। अच्छा, इसी तरह जो तवाफ इफादा कर लें और वो हैज उनको स्टार्ट हो जाए और आगे तवाफुल विदा आ रहा है, तो चूंकि वो इफादा कर चुकी हैं वो उनको काफी है, तवाफुल विदा की पाबंद नहीं होंगी। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कितनी आसानियां पैदा फरमाई। तो हैज वाली औरतों पर तवाफ विदा वाजिब नहीं, ना इसके लिए हैज से पाकी हासिल करने का इंतजार जरूरी है, और ना इस तवाफ के छूट जाने से इस औरत पर दम वाजिब होगा। इमाम नवाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मजहब हमारा ही नहीं बल्कि तमाम उलमा का भी है, सिवाय चंद उलमाए सलफ के, लेकिन वो बहुत शाज राय है और इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया है। फिर इसी रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए और सहर के वक्त यानी फजर की नमाज से पहले आपने तवाफ विदा किया। इसके बाद आप सनियत सुफली शुबैका कुदई के रास्ते रवाना हुए जो बाब शुबैका के करीब है। आपका रुख मदीने की तरफ था, ये रास्ता वही था जिससे आप फतेह मक्का के मौके पर रवाना हुए थे। मस्जिद हराम से आप बाब गजूरा के रास्ते निकले जिसको बाब हनातीन भी कहा जाता है। हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह मक्के से आफ्ताब गुरूब होने के वक्त रवाना हुए और मगरिब की नमाज आपने मुकाम सरिफ पहुंचकर पढ़ी। मगर बाज दूसरे उलमा कहते हैं कि शायद ये सूरत किसी दूसरे मौके की है, क्योंकि इस मौके पर आपने तवाफ विदा तो नमाज सुबह के बाद ही कर लिया था, लिहाजा फिर आप गुरूब आफ्ताब के वक्त किस वजह तक क्या वजह थी कि आप इतनी लेट वहां पे रुके रहे और इतना देर निकले। तो ये बात बहुत गरीब और बईदस कयास है, यहां तक इनका हवाला है। जहां तक इस रिवायत का ताल्लुक है कि तवाफ विदा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वादी महसब को ही वापस चले गए थे। इमाम नवावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुवाफ़िकत पैदा की है इन तमाम रिवायतों में। वो कहते हैं कि मुवाफ़िकत ये है कि हुजूर वादी महसब में क्यों वापस चले गए थे, उसकी वजह यह है कि वादी महसब से हुजूर ने हजरत आयशा को इनके भाई के साथ उम्रे के लिए भेज दिया था और इनसे ये तय किया था कि उम्रा करने के बाद वो आपसे वादी महसब में ही आके मिले। इनके जाने के बाद खुद हुजूर तवाफ विदा के लिए बैतुल्लाह की जानिब तशरीफ ले गए और तवाफ से फारिग होकर आप फिर वापस वादी महसब में तशरीफ ले आए। इसी वक्त आपकी हजरत आयशा से मुलाकात हुई और इस वक्त आप तो वापस आ रहे थे और हजरत आयशा उम्रे के तवाफ के लिए बैतुल्लाह में दाखिल हो रही थी। फिर तवाफ से फारिग होकर हजरत आयशा आपसे आमिनी, जबकि आप वादी महसब में ही थे। फिर इमाम नवावी कहते हैं कि जहां तक हजरत आयशा के इस कौल का ताल्लुक है कि फिर हजरत ने अपने सहाबा में रवानगी का ऐलान फरमाया और बैतुल्लाह से गुजरते हुए वहां तवाफ किया, तो इस रिवायत में तकदीम और ताखीर के पहलू में यानी इब्तदाई हिस्से का जिक्र बाद में और बाद के हिस्से का जिक्र पहले हो रहा है। वरना दर हकीकत हुजूर ने जो तवाफ विदा किया है वो हजरत आयशा के उम्रे के लिए चले जाने के बाद और इनकी वापसी से पहले किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा की उम्रे के तवाफ से पहले तवाफ विदा से फारिग हो गए थे। यहाँ तक इमाम नवावी का कौल है और यहाँ तक उनका हवाला है और यहाँ तक उनकी तहकीक है। तो बहरहाल इस तरह हजरत के मक्के में दाखिल होने और फिर वहां से वापस रवाना होने की दरमियानी मुद्दत जो है वो 10 दिन है,
और इस तफसीर से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह ने हज के बाद फिर उमरा नहीं किया। इस हज के सिलसिले में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती जिससे मालूम हो कि इस हज के मौके पर आप काबे के अंदर भी तशरीफ ले गए थे। गर्ज जब आपने तवाफ के साथ फेरे पूरे कर लिए, आप हजरे अस्वद और बाबे काबा के दरमियान ठहरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जिस्म मुबारक यानी सीना और चेहरा मुबारक मुल्तजिम से मिला रखा था। इस ज़मन में एक और बात भी हमारे सामने आती है कि वापसी के वक्त साद बिन अबी वकास की आयादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ ले गए। हज से फिरागत के बाद इन्हें दर्द की तकलीफ हो गई थी और हुजूर जब इनकी बालीन पर पहुंचे तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे दर्द की तकलीफ हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मैं काफी दौलतमंद आदमी हूँ, मेरे वारिस सिर्फ मेरी बच्ची है, क्या मैं दो तिहाई अपने माल से सदका ना करूँ? हुजूर ने फरमाया नहीं। अर्ज की अच्छा, निस्फ माल सदका करने की इजाजत दे दें? फरमाया नहीं। फरमाया तीसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा बहुत काफी है। इसके बाद अपने हकीमाना कलमात से हजरत साद को और इनके जरिए से क़यामत तक आने वाले उम्मतियों को एक हकीकत से रोशनास कराया। फरमाया अगर तुम अपने वारिसों को गनी छोड़ जाओ, ये इससे बेहतर है कि तुम इनको इस हालत में छोड़ो कि वो मोहताज और तंगदस्त हों, लोगों के सामने हथेलियां फैलाते रहें। जो खर्च अल्लाह ताला की रजा के लिए दोगे इसका तुम्हें अजर दिया जाएगा। वो लुकमा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो इसका भी तुम्हें सवाब मिलेगा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो देखे ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कितना अच्छा पैगाम दिया कि मियाँ बीवी में आपस में मुवद्दत और मोहब्बत बढ़ती है अगर तुम मोहब्बत से अपनी बीवी को लुकमा भी खिलाओ और उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। सुभानअल्लाह। हजरत साद ने दरियाए रहमत को जोश पर देखा तो एक आरजू पेश खिदमत कर दी। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अपने दोस्तों के बाद पीछे छोड़ दिया जाऊंगा? हुजूर ने फरमाया तुम्हें हरगिज पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारी मौत का वक्त अभी नहीं आया, तुम जिंदा रहोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये होता है नबी का इल्म। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये होता है नबी का इल्म, और मेरे पाक नबी का इल्म तो हर मखलूक से ज्यादा है, हर मखलूक से ज्यादा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरे पाक नबी को वो इल्म अता किया है जो कभी किसी को मखलूक में अता नहीं किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक अजीब दौर से गुजर रहे हैं हम मेरे भाई। अफसोस भी होता है, तकलीफ भी होती है कि लोग अपने जहन में नबी का इल्म कैद करते हैं। नबी का इल्म, बाबा नबी का इल्म है, तुम्हारी अकलों से मावरा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तो हर अकल से मावरा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही जानते हैं कि हुजूर का इल्म कितना वसी है। उस इल्म में से चंद बूंदें हुजूर ने अपनी उम्मत को बख्श दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जुमला तुम और हम नहीं कह सकते, ये जुमला सिर्फ मेरे पाक नबी को जचता है। क्या कहा? अभी तुम्हारी मौत का वक्त नहीं आया, तुम जिंदा रहोगे। और साथ ये भी कहा, अभी कई नेक काम करोगे जिससे तुम्हारा दर्जा और बुलंद होगा, तेरी वजह से कई कौमों को नफा पहुंचेगा और कई को नुकसान। किससे कह रहे हैं? हजरत साद बिन अबी वकास से। और आप जानते हैं कि सीरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्न में हमने हजरत साद बिन अबी वकास के जर्नैली हिकमत अमलियों को देखा कि फारसियों को कैसे उन्होंने जो है शिकस्त दी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक कि तेरी वजह से कई कौमों को नफा पहुंचेगा और कई को नुकसान। फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में इल्तिजा की, ए अल्लाह मेरे सहाबा की हिजरत को जारी रख, वो अपनी एड़ियों के बल न लौटा दिए जाए। अपने बीमार सहाबी को हौसला अफजाई और इसको शाद काम करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैबा की तरफ रवाना हुए। जब हुजूर रोहा के मुकाम पर पहुंचे तो एक काफिला आया। हुजूर ने इन्हें सलाम कहा और पूछा तुम कौन लोग हो? उन्होंने अर्ज किया कि हम मुसलमान हैं। फिर उन्होंने हुजूर से पूछा कि आप कौन हैं? हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक औरत ने एक छोटे बच्चे को बुलंद किया। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह,
क्या ये बच्चा हज कर सकता है? फरमाया हाँ, लेकिन हज का सवाब नहीं मिलेगा। यानी कि जब ये बालिग होगा तो इसे हज करना होगा। ये कर तो सकता है तेरे साथ, लेकिन इसे हज का सवाब नहीं मिलेगा, नफली सवाब मिलेगा। तो फिर जब ये बालिग होगा तो इसे हज करना होगा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफा पहुंचे और रात वहां बसर की। जब सुबह हुई तो वादी के नशीब में नमाज सुबह अदा की। नमाज के बाद फिर मदीने की तरफ रवाना हुए। जब मदीना तैबा नजर आया तो तीन बार सरकार दो आलम ने तकबीर कही और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि कोई इबादत के लायक नहीं बजिस अल्लाह के जो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, सारी बादशाही इसी की है, सब तारीफें इसके लिए हैं और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। फिर फरमाया, हम मुड़ कर आने वाले हैं, हम लौट कर आने वाले हैं, हम इबादत करने वाले हैं, हम सिजदे करने वाले हैं, हम अपने रब की हम्द करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपना वादे को सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और कुफार के लश्करों को अकेले शिकस्त दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब हज उमरा या किसी गजबे के सफर से वापस तशरीफ लाते और सनीयतुल विदा या फद फद के मुकाम पर पहुंचते तो इन कलमात तैयबात से तीन बार तकबीर फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, इसका कोई शरीक नहीं, सारी बादशाही इसी की है, सब तारीफें इसी के लिए हैं, वही जिंदा करता है और वही मारता है और खुद से मौत नहीं आती, सारी खैर इसी के हाथ में है, वह हर चीज पर कादिर है, हम पलट कर आने वाले हैं, हम लौट कर आने वाले हैं, हम इबादत करने वाले हैं, हम सिजदे करने वाले हैं, हम अपने रब की हम्द करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपने वादे को सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और कुफार के लश्करों को अकेले शिकस्त दी। जब हुजूर इस मैदान में पहुंचे जहां काफले आराम करते हैं तो वहां कयाम के लिए ठहरे और सबको मना किया कि आधी रात को घर न जाओ। फिर सुबह की नमाज अदा की और मदीना तैबा में नुजूल फरमाया। बहरहाल इस ज़मन में कुछ और तफसीलात भी आती हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और सबसे एक बड़ा ही खूबसूरत वाकया जो मैंने ख़ास तौर पर अभी ज़िक्र नहीं किया वो है गदीर खुम का वाकया। तो मैं चाहता हूँ कि गदीर खुम के वाकये को एक बाज़ाब्ता दर्स में किया जाए, ताकि बहुत सारी चीज़ें लोगों के जहनों में होती हैं ना, वो वाज़े हो जाएँ और फिर कभी किसी को गदीर खुम की तफसीलात ढूंढनी हो तो सीरतुन नबी के बाब में उसे बाय टॉपिक मिल जाए और ढूंढने में आसानी हो जाए, ताकि वो उसे फिर एक एक दर्स से गुजरना ना पड़े कि कौन से दर्स में फिर ये बयान हुआ था। और सीरतुन नबी जमा करने का एक जो है हमारा रीज़न ये भी है कि हम सीरतुन नबी को बाय टॉपिक में जमा करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि फिर किसी को सीरतुन नबी का कोई बाब पढ़ना हो तो वो फिर उस बाप को बाय टॉपिक बाय उनवान खोल सकता है और सुन सकता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सब की हिदायत का फैसला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।